हे दोस्तों, यो हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे लिंक करते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, 2 से 3 मिनट लगेंगे और ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार नंबर लिंक हो जाएगा। इसके लिए आपको नेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, उसमें मैं अपना आधार कार्ड लिंक कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन कैसे करेंगे हम वो इस वीडियो में देखेंगे। जिसके पास नेट बैंकिंग नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कि SBI नेट बैंकिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, वहां से जाकर के आप नेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते। तो हम अपने SBI नेट बैंकिंग में जाकर के इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड से हम नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं। ये यूजर नेम और पासवर्ड जो कि SBI नेट बैंकिंग का है, दोनों को इंटर किया और हमने लॉगिन किया। जी, तो इस तरह से हमने अपनी नेट बैंकिंग में जो है वो लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, आधार कार्ड अपना यहाँ पर लिंक कराना है। तो लेफ्ट साइड पे देखिए, अकाउंट समरी पे नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा लिंक योर आधार नंबर। ठीक है, अकाउंट समरी में ये आपका कौन सा 4th और 5th लास्ट है, लिंक योर आधार नंबर। तो लिंक योर आधार नंबर पर हमने क्लिक किया और उसके बाद ये जैसे मेरे 2 अकाउंट है तो अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद ये मोबाइल नंबर आपके यहाँ से होगा। आपको क्या करना है, आधार नंबर 2 बार इंटर करना है। पहले आधार नंबर यहाँ पर, फिर उसको कंफर्म करना है यहाँ पर। तो आधार नंबर हम यहाँ पर इंटर करते हैं। आधार नंबर इंटर करने के बाद ये हमने कंफर्म आधार नंबर पर आधार नंबर इंटर किया। उसके बाद ये सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाएगा। तो हमने ये सबमिट बटन पर क्लिक किया, मोबाइल पर हमारे OTP आएगा। ठीक है, तो ये OTP हम यहाँ पर इंटर करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, योर आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। द स्टेटस ऑफ आधार सीडिंग विल बी कम्युनिकेटेड ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से चली गई है। इसके बाद आपका जो आधार नंबर है आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर हो जाएगा, बैंक अकाउंट से आधार नंबर लिंक हो जाएगा। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन बियरिंग रेफरेंस नंबर UIDINB, एक रेफरेंस नंबर ये दिया जाएगा, इस पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका आधार नंबर रजिस्टर हो जाएगा, आधार नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑनलाइन प्रोसीजर है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगना है। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जो है वो आप आधार नंबर लिंक करा सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड और नेट बैंकिंग, SBI नेट बैंकिंग और ATM, इन सबसे संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उनकी सबकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इन सभी से संबंधित वीडियोस आप जाकर के देख ले, काफ़ी यूजफुल वीडियोस हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से आधार कार्ड जो है वो लिंक करा सकते हैं। इसका एक ऑफलाइन प्रोसीजर है कि आप अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाएँ, अपनी ID की फोटो कॉपी ले जाएँ और अपने बैंक अकाउंट जहाँ पर भी आपकी होम ब्रांच है, आपके बैंक अकाउंट जिस भी ब्रांच पर है वहाँ पर जाकर के जमा कर दें। ये ऑफलाइन प्रोसीजर है। ऑनलाइन प्रोसीजर मैंने बता दिया, SBI नेट बैंकिंग से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लिंक योर आधार नंबर पर क्लिक करना है और 2 बार आपको आधार नंबर इंटर करके उसको सबमिट कर देना है। मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, बहुत आसान है, 1 या 2 मिनट लगेगा। और नेट बैंकिंग से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं, ATM से संबंधित और आधार कार्ड पैन कार्ड से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उन सबकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हमारे यू हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया यूजफुल वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।